until we're all cried out. Cause we don't feel like throwing it all away. तो जो आज दिन अराउंड है, आज है 92 मार्च है एंड हमारे जिम को बंद हुए अराउंड एक हफ्ता हो गया है, बट आप पंप देख सकते हो बिल्कुल बरकरार है क्योंकि हम जो फिटनेस है वो छोड़ी नहीं है। अगर आप मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको विदाउट जिम के जो अपना वर्कआउट है वो रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ। दो वीडियो आ चुकी है मेरे चैनल पे, जो हमारी चेस्ट की थी एंड हमारी बाइसेप्स की वर्कआउट थी विदाउट जिम, तो आई बटन में लिंक है आप देख सकते हो जाके। एंड अभी फिलहाल हालत देख सकते हो मेरी नॉट सो गुड। सो ये हालत ऐसी क्यों हुई है क्योंकि आप मेरी देख सकते हो कुछ जिम का इक्विपमेंट रखा हुआ है, तो अभी मेरे पास मैं जिम की सामान में दिखाऊंगा क्योंकि मैं क्या क्या लेके आऊँ। एक्चुअली एक मेरे दोस्त थे वो जो जिनके पास जिम का सामान वगैरह रखा था एंड वो भी काफी दिन से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना जब तक मैं यूज कर लेता हूँ जब तक मेरे जिम वगैरह नहीं खुलते। एंड अगर जिम खुलने के बाद भी सही है कि अगर मैं जिम वगैरह जो वर्कआउट है अपने घर पे दिखा सकता हूँ कि कैसे ना जिम हमने वर्कआउट करेंगे क्योंकि जिम में पॉसिबल नहीं हो पाता, सॉन्ग्स वगैरह चलते हैं, तो मैं घर पे दिखा दूंगा आपको कि कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार अभी इक्विपमेंट दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या लेके आया हूँ, फिर इसको अभी छत पे लेके जाएंगे एंड मुझे लेके जाना पड़ेगा, छत पे रखेंगे एक जगह सेट करेंगे एंड फिर अपना जो वर्कआउट है वो छत पे करा करेंगे। एंड जो विदाउट जिम के जो वर्कआउट है जो सीरीज है वो भी आएंगी, टेंशन ना ले। अगर किसी का जिम का इक्विपमेंट नहीं है तो वो भी वीडियो रेगुलर आती रहेंगी। एंड अगर आपके पास इक्विपमेंट है जिम वगैरह में जाते हो तो कैसे वर्कआउट करें दोनों वीडियो आती रहेंगी, टेंशन फ्री रहे। तो मैं चले उसको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आया हूँ आपको। तो ये है जो वो बेंच जो मैं लेके आया हूँ जो हमें हेल्प करेगी हमारे वर्कआउट के लिए। एंड इस बेंच में एक खासियत ये है कि जब ये है अभी इंक्लाइन में है तो जो ये रोड है इसको निकाल के मैं इसको डिक्लाइन भी कर सकता हूँ एंड इसको ऊपर इंक्लाइन भी कर सकता हूँ एंड इसको स्ट्रेट भी कर सकता हूँ। लाइक इसमें तीन होल दे रखे हैं, ये हमारे स्ट्रेट के लिए, ये हमारे डिक्लाइन के लिए एंड जिसमें अभी लगी हुई है ये हमारे इंक्लाइन के लिए। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, इसमें हमारे तीनों चीज चेस्ट की हो जाएंगी एंड बाकी जो वर्कआउट है वो मैं इसमें इजिली कर सकता हूँ। ये हमारे ट्राइसेप्स वगैरह के यूज आ जाएंगे वर्कआउट करने के लिए। एंड ये कुछ प्लेट्स हैं गंदी हो रखी हैं, अभी साफ करनी है लेके हमें। तो ये एक वन इंच 7.5 किलो की है, तो ऐसे हमारे पास चार ये प्लेट्स हैं एंड एक ये रोड है हमारी, रोड अराउंड होगी 10-1 किलो की रोड होगी एंड ये कुछ प्लेट्स है इसके अंदर, ये अराउंड शायद 2.5 किलो की प्लेट्स होंगी। तो ये भी बढ़िया है। अभी फिलहाल मेरे पास डंबल नहीं है तो देखते हैं, अगर डंबल हुआ तो डंबल भी लेके आऊंगा, बट फिलहाल ये आराम इसमें चेस्ट की वर्कआउट बैक की इजिली सारा कर सकता हूं मैं। एंड ये हमारी मशीन है कुछ, तो अभी इसको ऊपर लेके चलते हैं एंड फिर ऊपर जाके बात करते हैं आपसे। खुद होम जिम बन गया छोटा सा ये, आई नो कि ज्यादा सामान नहीं है बट जितना है इसी पे काम चलाएंगे। एंड डंबल नहीं है अभी फिलहाल मेरे पास एंड ट्राई करता हूँ कि अगर मेरे डंबल हुए कहीं अरेंज तो मैं डंबल भी लेके आऊंगा, नहीं तो जो है इसी साथ करेंगे। एंड वेट वगैरह ज्यादा नहीं है
लेकिन जितना है सफिशियंट है मेरे लिए, क्योंकि अभी वैसे भी लाइट वेट ही कर रहा हूँ, ज्यादा हैवी नहीं कर रहा हूँ, तो शेडिंग मोड चला हुआ है, तो लाइट वेट है काफी है मेरे लिए। एंड होम जिम के लिए ठीक है, जितना वेट है इसी में काम चलाएंगे जब तक जिम हमारा खुलता नहीं है। 31 मार्च तक तो खुलेगा नहीं वैसे भी, आई नो, एंड आगे भी क्या पता ना खुले, कुछ भी हो सकता है, तो वो रिस्क ना लेके चलते हुए मैंने अपना लेके आ गया हूँ जो ये था जिम वगैरह, क्या नाम है, इक्विपमेंट्स वगैरह। तो एक फ्रेंड है मेरे जिनके पास ये सारा सामान रखा था, वो पहले जिम वगैरह करते थे, तो काफी दिन हो गए थे वो बिजी थे तो वर्कआउट नहीं कर रहे थे, तो उनका फोन आया कि यार अगर तुझे चाहिए तो तू ले जा, तो ले आया हूँ मैं। और कैसे लेके आया उसकी भी एक अलग स्टोरी है, अगर फोटो वगैरह हो तो डालूंगा उसकी भी अलग स्टोरी है, कैसे लेके आऊँ ये सारा सामान मैं। एंड सारा सामान आ गया छत पे, आ गया यहीं पे वर्कआउट करेंगे हमारा शाम को, एंड स्टेडियम भी जाएंगे वहां पे रनिंग वगैरह। जो विदाउट जिम के मैं जो सीरीज बना रहा हूँ कि विदाउट जिम अगर आप कैसे बना वर्कआउट कर सकते हो, तो वो वाली वीडियो भी आती रहेंगी, तो टेंशन फ्री रहे, वो वीडियो भी आएंगी। एंड अगर आप जिम जा रहे हो तो कैसे वर्कआउट करें वो यहाँ मैं बताऊंगा आपको। एंड अगर घर पे अगर होम वर्कआउट कर सकते हो तो वो भी सारी वीडियो आती रहेगी, टेंशन ना ले। एंड कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता देना। एंड काफी लोग बोल रहे थे डाइट वगैरह बारे में, तो अगर डाइट वगैरह बारे में चाहिए आपको तो उसके बारे में कमेंट कर देना, मैं उसकी अलग वीडियो बना दूंगा। तो बस काफी इतना ही है कि अब मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, शायद शाम को मैं अपना वर्कआउट वीडियो बनाऊं तो नेक्स्ट वीडियो शायद वही हो, तो होप सो जो भी होगा आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो जाते जाते हमारा बाइसेप्स का पोज, सो बी ऑलवेज मोटिवेटेड एंड राइड सेफ, दिस इज राहुल साइनिंग आउट, बाय बाय। एंड एक सेट तो अभी मैं मार के जाऊं, एंड वेट काफी है, सफिशियंट है मेरे लिए। Going on believing.